फांसी पर लटकी थी उसी वक्त उसे लोगों ने बाहर भी देखा था। तो गड़बड़ जरूर है। कल रात कौन है? मैंने शक्ति के रूम में एक साया देखा। मैं तुम्हारा बोल रहा हूँ, रहने दे, हम वापस चलते हैं। के साथ तो मक्खी भी नहीं भगा सकते, तो भूत कैसे भगाएंगे? कौन हो तुम? शक्ति से उसे कभी वश में नहीं किया जा सकता। क्या चाहिए तुम्हें? ये काम उसी बाबा का है। तो वो तुम। दोस्तों, साउथ की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी और इस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट मूवी जिसका नाम है अरन मनाई 4, और आप में से बहुत से लोगों को अरन मनाई 4 के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और यूट्यूब प्रीमियर का इंतजार था। तो फाइनली दोस्तों, ये मूवी अब टीवी और यूट्यूब पर रिलीज होने के साथ साथ OTT पर रिलीज होने जा रही है। तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखना अगर आप अरन मनाई 4 मूवी को अभी देखना चाहते हो। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि साउथ की एक नई मूवी हिंदी डब्ड में रिलीज हो चुकी है जिसको आप अभी अपने मोबाइल में भी देख सकते हो। तो दोस्तों, अरन मनाई 4 जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को मात्र 40 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, वहीं इस मूवी को 25 करोड़ रुपए में बेचा गया था। यानी कि इस मूवी को सुपरहिट होने के लिए मात्र 26 करोड़ रुपए का शेयर कलेक्शन करना था, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी सुपरहिट रही और इस मूवी ने 100 करोड़ का कलेक्शन करके सबको चौंका दिया। हालांकि इस मूवी के अंदर डिसेंट स्टोरी देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवी को सीरीज का पूरा फायदा मिला है और सीरीज के चलते ही इस मूवी को आसानी से एक सुपरहिट मूवी का टैग मिल गया है। लेकिन अगर बात करें इस मूवी के हिंदी डब के रिलीज डेट की, OTT रिलीज डेट की, वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर, यूट्यूब प्रीमियर की, तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप अरन मनाई 4 मूवी को किस रीजन से देखना चाहते हो। आपको हॉरर थ्रिलर मूवी देखना पसंद है इस रीजन से, या फिर तमन्ना भाटिया की वजह से, या फिर किसी और रीजन की वजह से, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें इस मूवी के हिंदी डब की, तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इस मूवी का डिजिटल प्रीमियर होने जा रहा है और अरन मनाई 4 मूवी आपको 21 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, जहां पर इस मूवी को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नाड़ा लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में नहीं रिलीज किया जाएगा। हिंदी डब में इस मूवी को 1 से 1.5 हफ्ते के बाद रिलीज किया जा सकता है, या फिर ये मूवी आपको डायरेक्ट हिंदी डब में टीवी और यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगी, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। और अगर ये मूवी टीवी और यूट्यूब पर रिलीज होती है तो आपको 1 महीने का और इंतजार करना पड़ सकता है। और अगर बात करें दूसरी साउथ मूवी की जो कि हिंदी डब में रिलीज हो चुकी है, तो ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है जिसका नाम है वर्षन गलक्कू शेषम। और अगर आप इस मूवी को अभी देखना चाहते हो तो ये मूवी सोनी लिव ऐप पर हिंदी डब्ड में अवेलेबल हो चुकी है।